चिराग और चाचा पारस के बीच जो अदावत है वो आपने देखी होंगी। बिहार में कई लोगों और कई पार्टियों के बीच जो गठबंधन है उस गठबंधन को लेकर बातें चलती हैं, लेकिन खासकर भाजपा और लोजपा रामविलास को लेकर बातें चलती हैं। अब एक बार फिर से चर्चाएं जोरों शोरों पर है कि चाचा पशुपति पारस के साथ और चिराग पासवान कैसे कोऑर्डिनेशन करेंगे। खासतौर पर भाजपा के साथ उनका गठबंधन है, वहीं चिराग पासवान प्रधानमंत्री मोदी में आस्था दिखाते हैं, लेकिन बात जब गठबंधन की आती है तो वहां नहीं हो पाती है। 24 सीटों पर एमएलसी के चुनाव हैं और चिराग पासवान हाजीपुर सीट छोड़ने वाले नहीं हैं। कई बार उन्होंने इस बात के संकेत भी दिए हैं। संकेत तो उन्होंने ये भी दिया है कि जमुई वाली सीट छोड़कर हो सकता है वो हाजीपुर आ जाए अगले लोकसभा चुनाव में, लेकिन इस बार का जो समीकरण है चाचा पारस एनडीए खेमे में है और एनडीए से हाजीपुर की सीट उन्हें दे दी गई है, तो चिराग पासवान भी हाजीपुर से आमने सामने होंगे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी से उनका जो रिश्ता है उसको लेकर वो बाकी सीटों पर समझौता कर सकते हैं, लेकिन खासतौर पर हाजीपुर वाली सीट समझौता के पात्र नहीं है। ऐसी बातें चिराग पासवान ने कई बार दोहराई हैं। अब एक बार फिर से रामविलास पासवान का ये सीट रहा है। रामविलास पासवान ने इस सीट पर रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की है, तो एक बार फिर से एमएलसी चुनाव को लेकर पशुपति पारस और चिराग पासवान आमने सामने होंगे। हालांकि परिणाम क्या होगा और किनके पक्ष में जाएगा ये देखना होगा, लेकिन चाचा पारस के साथ जाने को लेकर चिराग पासवान ने कई बार खुले तौर पर कहा है कि ये गठबंधन अब नहीं हो सकता है और ये रिश्ता जो है इतना आगे बढ़ चला है, ये रिश्ता इतना टूट चुका है कि अब आने वाले दिनों में समझौता की बात ही नहीं होती है। खासतौर पर तब जब नीतीश कुमार और पशुपति पारस के बीच जो संबंध है वो मधुर बताए जाते हैं। ऐसे में चिराग पासवान एनडीए खेमे में आने के लिए राजी होंगे, लेकिन जदयू और चाचा पारस की वजह से हो सकता है फिर से एक बार आमने सामने हो, और खासतौर पर हाजीपुर सीट को लेकर जो चर्चाएं हैं वो लाजमी है और हाजीपुर सीट पर चाचा पारस और चिराग पासवान आमने सामने होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।